नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडिया न्यूज ऋषभ जायसवाल के साथ। आज हम बात करेंगे दिल्ली के टॉप 10 न्यूज के बारे में। दिल्ली के लिए राहत बड़ी खबर आई, जानिए इसके बारे में। केजरीवाल बोले दिल्ली में कोरोना संक्रमण काबू में, अब ICU और ऑक्सीजन बेड्स की कमी नहीं। सेंट्रल विस्तार निर्माण के लिए बचाव में केंद्र, दिल्ली SC ने कहा मजदूर कर्फ्यू लागू होने से पहले काम कर रहे हैं, सबका इंश्योरेंस है और वहाँ कोविड फैसिलिटी भी है। विधायक सीमा त्रिखा ने किया अस्पतालों का निरीक्षण, मेट्रो अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 75 बेड्स की नई यूनिट तैयार, ऑक्सीजन मिलते ही शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को ऑक्सीजन सप्लाई की जानकारी देने से इनकार, कहा न्यायालयिक दखल की गुंजाइश कम, हम एक्सपर्ट सलाह पर काम कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान CGI बोले जजों की भूखे से अनाज की दाने की तरफ सच निकालना पड़ता है। चुनाव में हार से सबक लेने की जरूरत, सोनिया बोली ये कहना काफी नहीं कि बहुत निराश है, चुनाव में गंभीर हार से सबक लेने की जरूरत। वैज्ञानिक बोले जहां वायरस का खतरनाक म्यूटेशन दिखे उस क्षेत्र को सील करके अलग रणनीति बने। सेना ने संभाली इलाज की कमान, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड ऑक्सीजन युक्त अस्पताल शुरू, 65 पुरुष और 35 महिला के लिए बेड आरक्षित। सोनिया दिया बोले कोरोना से लड़ने का BJP लाई नया मॉडल, आपस में भिड़ेंगे राज्य। BJP सांसद का हमला, कहा ऑक्सीजन आड़ी से भाग रही है केजरीवाल सरकार। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे नए अगली वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।